तो आपने अक्सर देखा होगा कि बॉलर जो है सीम ऐसे जा रही थी जैसे हमने पहले फुटेज दिखाई थी उसमें सीम ऐसे पॉइंट थी टूवर्ड स्लिप की तरफ तो, की बॉल दिखा डिलीवरी प्लीज अगर हम तो दिखा सकते। वो जो है ना आप देखेंगे कि एयर में बॉल ऐसे नीचे आ रहा है और उसके बाद पड़ने के बाद वो उस तरफ जा रहा है अगर उसमें जिस तरह कुछ बॉलर ऐसे थे जिनकी फिंगर लगती है बॉल ऐसे जा रहा होता है तो कट के वो अंदर अंदर की तरफ आता है तो उसमें यह है कि जब आप स्विंग करना चाह रहे होते हैं आप देखते हैं कि सम टाइम क्या होता है कि जब बॉलर बॉल स्विंग करने की कोशिश करता है तो वो हाथ से स्विंग होना शुरू हो जाती है बैट्समैन को पहले नजर आ जाती है कि वो स्विंग हो रही है तो उसमें यह है कि जब बॉलर का फ्रंट शोल्डर जल्दी खुल जाता है तो उससे क्या होता है कि बॉल हाथ से स्विंग होना शुरू हो जाता है तो आप जैसे स्विंग हो रहा होता है तो आपको नजर आ जाता है और कुछ बॉलर जो होते हैं वो लेट स्विंग करते हैं लेट स्विंग का करने का मकसद यह है कि आपका फ्रंट आर्म जो है वो ज़्यादा देर तक टाइट रहता है और आप जो है बॉल को ऐसे छोड़ते हैं तो वो फिर एंड में जाके जो है ना पुश करते हैं बॉल को आगे तो बॉल सीधा आ रहा होता है और लास्ट मोमेंट में जाता है जैसे हम बात करते हैं रिवर्स स्विंग की जैसे वकार भाई को देखें या श्वेप को देखें तो उनका बॉल लेट जाके स्विंग होता था तो यही है कि आप जब आपको लेट स्विंग करना है तो आपको जो है ना आपको टाइट रखना पड़ेगा और उसको स्विंग करना पड़ेगा और सबसे जब आप बॉल को स्विंग करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी रिस्ट जो है वो बॉल के पीछे होनी चाहिए ठीक है तो आप उसको जो है ना उसको ऐसे करते हैं तो बॉल जो है बैक स्पिन उसके ऊपर होता है तो उससे आपको